सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ कि हम लोग जैसे कि बहुत सारे नॉइज आ जाते हैं अपने सीन के अंदर, उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव किया जाता है, सबसे आसान तरीका क्या है ये नॉइज को रिमूव करने का, जो हम लोग कितना भी सबडिविजन बढ़ा दें तब ये नॉइस आ जाती है, ये नॉइस हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। नॉइस रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर देख सकते हो कि नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने सेटिंग भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक रखी है, ऐसे नहीं सेटिंग में कुछ लो रखा हो मैंने, ठीक है। सेटिंग में अगर मैं इधर पे अगर आपको दिखाऊँ तो 500 वैल्यू दिया हूँ, मीडियम दिया हूँ और इधर पे जो भी है बाकी सब सेटिंग ओके है। मगर अगर मैं इसके अंदर बाकी और सेटिंग को हाई करता हूँ तो नॉइज में उतना फ़र्क नहीं आने वाला है, मगर आएगा थोड़ा बहुत फ़र्क, मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तभी उसमें नॉइस आएगी। तो नॉइस को रिमूव करने के लिए इधर पे हम लोग पास एक चीज होता है ऑप्शन नॉइस रिड्यूस करने के लिए, यहाँ पर होता है वेरी डी नॉइजर, ठीक है। वेरी डी नॉइजर को जब हम लोग रेंडर करते हैं तो हम लोग का जो नॉइस है वो देखो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। ये मैंने रेंडर किया और इस तरह से क्लीन हो गया, देखो पूरी तरह से। पहले ये देख सकते हो पहले इतना काफ़ी नॉइजी था, जब डी नॉइजर मैंने यूज़ किया तो ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो इधर पे ये लैम्प के ऊपर बहुत सारी नॉइज थी, लैम्प के ऊपर नॉइज थी, ये कर्टन के ऊपर बहुत सारी नॉइज थी, जब मैंने डी नॉइजर यूज़ किया तो यहाँ पर सारी नॉइज क्लीन हो गई, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर डी नॉइजर को, जैसे मैं यहाँ पर जैसे क्लीन करता हूँ, तो इधर पे हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को जाना है इधर पे रेंडर एलिमेंट के अंदर जाके यहाँ पर क्लिक करना है ऐड, ऐड पे जाना है, फिर यहाँ पर मुझे जाना है यहाँ पर वीरे डी नॉइजर, इस पर क्लिक करना है और ओके, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बाकी सब जैसे की जैसे सेटिंग है वैसे ही रखना है, कोई भी सेटिंग नहीं। ये ऑटोमेटिकली पूरा जो प्रोसेसिंग है यानी कि इसके अंदर जो उसको चाहिए नॉइज लेबल ये सब सारे पासेस वो ऑटोमेटिकली निकालेगा। हम लोग ने इधर पे एक ही सिलेक्ट किया, ये बाकी सब पासेस अपने हिसाब से एक्स्ट्रा पासेस लेके वो ये कैलकुलेशन के लिए यानी डी नॉइजर करने के लिए उसको ये सब पासेस की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा टाइम जाता है मजा के जो नॉइज है काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है, ओके। तो अभी देख सके अभी मैं अभी इसको रेंडर कर रहा हूँ, अभी एक तो हम लोग का होगा नॉइज वाला रेंडर जो होता है अपना RGB रेंडर, और एक बाद में हो जाएगा जब जैसे ही पूरा हो जाएगा ये रेंडर कंप्लीट तो ये हो जाएगा डी नॉइज। मैं इसको करता हूँ रेंडर यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रेंडर हो रहे हैं और साथ में जो अभी इधर पे लास्ट जो इफेक्ट वाला होता है, ठीक है, इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट जो इफेक्ट का जो होता है ऑप्शंस वो अभी नहीं आए, जैसे डीनॉइजर जो आ जाएगा डीनॉइजर यानी पूरा जब रेंडर हो जाएगा तब डीनॉइजर का ये ऑप्शन यानी कि डीनॉइजर नहीं यानी कि इफेक्ट के बाद वाला जो होता है इमेज वो इधर पे एक्स्ट्रा एक एलिमेंट बन के आ जाएगा यहाँ।
ये देखिए यहाँ पर ये रेंडर हो चुका है, इसमें देखो यहाँ पर इफेक्ट रिजल्ट करके ये टैब नया बन चुका है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें नॉइस काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है। जो हम लोग का RGB वाला था इसमें नॉइस काफ़ी ज़्यादा थी जो मेन फाइल थी। ये इफेक्ट रिजल्ट वाला फाइल है, ये है ट्यूब मेजर का फाइल, और ये है हम लोग का RGB वाला फाइल जो है, ये हम लोग का नॉर्मल वाला फाइल जो नॉर्मल रेंडर करते हैं बिना डी नॉइजर के। ठीक है, इसको हम लोग सेव कैसे करेंगे? अगर मुझे सेव ये डी नॉइजर वाला फाइल ही सेव करना है तो बस हम लोग क्या करना है, इसको एक्टिव करके रखना है। एक्टिव करके रखिए, फिर इसको डायरेक्टली कर दीजिए सेव जहाँ पर आपको सेव करना है। अभी यहाँ पर क्या है कि मेरा थोड़ा सा इधर पे GI का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इधर पे मैं यहाँ पर अपना वैल्यू रख के टेस्ट फाइल ओके सेव, इसको मैं टिप फाइल में सेव करूँगा। यहाँ पर टिप फाइल में सेव हो रहा है। अब अगर आप यह RGB के क्लिक करके अगर सेव करोगे वो आपका नॉइज वाला रेंडर वाला सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग से एक नॉइस ये 2.2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जबकि मेरा ये ब्लैक आ रहा है सेव करने पे, तो मैं 2.2 गामा ऐड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, अभी मैं जहाँ पर सेव करके रखा हूँ वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो फाइल है वो कैसा दिखता है। ये हम लोग का है नॉइज विदाउट नॉइज वाला रेंडर, इसमें नॉइस नहीं है, और जो दूसरा रेंडर था इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से। और हम लोग को थोड़ा बहुत फोटोशॉप करना है, इसके ऊपर प्रेशन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फोटोशॉप में चल सकता है। और यहाँ पर से हम लोग थोड़ा बहुत उसका ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा मुझे इसको कव देना है, तो यहाँ से मैं कव दे सकता हूँ इस तरह से। थोड़ा हल्का सैचुरेशन ये देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल रेंडर हम लोग को मिल गया है। जो पहले हम लोग को मिला था काफ़ी डल इमेज, ये पोस्ट प्रोडक्शन से हम लोग को काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डी नॉइस कर सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि अपने 3D Max में जो नॉइज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा जो नॉइज़ आती है हम लोग के रेंडर में, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे ब्यूटीफुल रेंडर निकाल सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।